तो यह हमारा ब्लूटूथ स्पीकर जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं। और सामने की तरफ आपको चार बटन देखने को मिल जाते हैं, जैसे बैकवर्ड, फॉरवर्ड, प्ले, पाउज, पावर ऑन और इनबिल्ड माइक को ऑन करते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, तो आपके मोबाइल को जाना है और आपने अपने ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है। और यहाँ आपको ऑप्शन दीजिएगा बीटी स्पीकर का, तो आपको अपने डिवाइस को इससे पेयर कर लेना है यानी कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए अब अपने प्ले करके देखते हैं और उसकी वॉइस क्वालिटी देखते हैं कैसी है। तो देखा जाए तो वॉइस क्वालिटी जो इसकी काफ़ी अच्छी है। बाकी ये गैजेट आपको 250 रुपीज़ का पड़ता है, तो इस हिसाब से, तो इसकी मनी वैल्यू के हिसाब से इसकी वॉइस जो वो काफ़ी अच्छी है। साथ ही आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है कॉलिंग का, यानी तो अगर आप इसके मोबाइल कोई भी कॉल आती है तो भी आप अपने इस ब्लूटूथ स्पीकर से, उसके इनबिल्ड माइक से आप अपनी कॉल को पिक कर सकते हैं। 9 1 9 5 4 0 5 9। तो अगर आप एक बजटी ब्लूटूथ स्पीकर लेने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ये नहीं कह सकता कि ये जो स्पीकर JBL के स्पीकर्स को टक्कर दे सकता है, लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि कैसा ब्लूटूथ स्पीकर काम करता है और कैसे आवाज़ होती है, तो आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को परचेज कर सकते हैं। यहाँ आपको एक वायर मिल जाती है जिससे आप इसको कर सकते हैं किसी भी अपने चार्जर से या अपने पावर बैंक से। ऑनलाइन आपको ये लगभग 250 to 300 मिल जाता है, ऑफलाइन मार्केट में ये लगभग आपको 180 से 200 तक मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसे लेते हैं पेटीएम से तो आपको 150 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाता है, जिसके कारण इसकी कीमत लगभग आपको पड़ जाती है 100 रुपीज़। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।